हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस लॉकर। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य मेरे साथ, जैसा कि आप देख रहे हो। एक मिनट, स्टॉप कर लेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ। मैं बस ऐसे चैटिंग कर रहा था किसी फ्रेंड से, तब तक मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डिलीवर हुआ इस नंबर से। ये नंबर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, +1 इसका कोड है 707490। फेक कॉल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी इस स्क्रीन पर जहाँ हम फोटो लगाते हैं वहाँ KBC का लोगो लगा हुआ था, और इसने मेरे को एक मैसेज डिलीवर किया। आइए देखते हैं वो मैसेज क्या है। इसने मैसेज डिलीवर किया, स्टेशन डियर कस्टमर, यू हैव ऑन द प्राइस ऑफ दिस वन बाय KBC डिपार्टमेंट, प्लीज कलेक्ट योर प्राइस अर्जेंटली बाय फॉलो द कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन। बधाई हो, KBC कौन बने करोड़पति से आप जीते हैं रुपया इतना का लॉटरी। उसने यहाँ पे लॉटरी नंबर भी मेंशन कर रखा है, एक कॉल नाउ करके एक नंबर भी उसने दे रखा है। उसने मुझे फ़ोन, सबसे पहले तो उसने ये डिलीवर करने के बाद ये मैसेज उसने मेरे को फ़ोन किया, व्हाट्सएप ही फ़ोन किया। तो मैंने बात की, लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क काफ़ी कम वीक था, तो बात नहीं हो पाई। फिर मैंने उसको मैसेज किया, हाय यस टेल मी, सर आप वॉयस सही नहीं आ रही है। उसने बोला कि सर आपकी वॉयस सही नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि नेटवर्क मेरा सही नहीं था। फिर मैंने लिखा, हाउ कैन आई गेट माई रिवार्ड। ओके, सो उसने मेरे को फिर से सेम नंबर जो इसने मेंशन कर रखा है, वही नंबर उसने मेरे को डिलीवर किया। लिखा, कॉल योर व्हाट्सएप राहुल वर्मा फ्रॉम SBI, कलेक्ट योर अमाउंट। फिर मैंने लिखा, सर कॉल मी ऑन दिस नंबर। मैंने अपना नंबर उसको खुद दे दिया, और फिर मैंने बोला कि फ़ोन करेगा तो मैं उसका वॉयस रिकॉर्ड कर लूँगा। नॉट सर, ओनली व्हाट्सएप इन्फो। ओके, ये तो बता दो पैसे कब। उसने बोला कि नॉट आप बस हम व्हाट्सएप पे ही बात करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि जब वो फ़ोन करेगा ट्रेस करता, अगर पुलिस कहते चढ़ा तो साइबर क्राइम वाले काफ़ी हुए हैं आजकल, आपको पता है। ये तो बता दो, फिर मैंने उसको मैसेज किया, ये तो बता दो पैसे कैसे मिलेंगे। तो उसने लिखा, सर अपना मोबाइल स्टार्ट करके देखो। फिर मैं तो समझ ही रहा था क्या हो रहा है। फिर मैं उसको और कोशिश कर रहा था कि फ़ोन लग जाए और मैं उसका वॉयस रिकॉर्ड कर पाऊँ। फिर मैंने फ़ोन भी लगाने की, लेकिन नहीं हुआ, बात नहीं हो पाई। ये जो नंबर भेजा है ना, उसी पे आप व्हाट्सएप भेजो, मतलब बोल रहा था कि आप उस पे बात कर लो, उसी नंबर पे। नंबर पे भी नहीं जा रहा था, वो बंद बता रहा था। सर आप, फिर मैं सोचा आप इसके मज़े लो। फिर मैंने लिखा उसको कि सर आप एक और बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद। फिर उसने सडनली मैसेज किया, क्या। फिर मैंने कहा, अभी साइबर क्राइम का मैसेज डिलीवर होगा आपके लैपटॉप पे, देन यू गॉट प्रोसेस, जस्ट वेट। फिर ये आप देख सकते हैं वहाँ पे 7:50 PM पे उसने, मैंने उसको मैसेज किया। फिर वो समझ गया कि ये बंदा अब समझ गया है, तो उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया तुरंत, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फिर मैंने 7:55 पे देखा, हेलो लिख रहा था, मैं हेलो लिखा, फिर कुछ नहीं हुआ, कहाँ गए, कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ये आप हमारे साथ भी हो सकता है, और किसके साथ भी हो सकता है, ये आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी हो सकता है, कोई और बंदा है जो जिसको उस लायक समझ नहीं है उसके साथ भी हो सकता है। और इनकी बातें इतनी चिपड़ी होती है ना कि मतलब कोई फिसल भी जाएगा इनको। ये SBI के वो ऑफिसर बन के बात करेंगे, RBI के ऑफिसर बन के बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ये मैसेज, ये वीडियो आपको शेयर करना है अपने उन छोटे भाई बहनों के साथ जो आजकल व्हाट्सएप पे कुछ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। ये लोग कई सारे और भी तरीके निकाल रहे हैं, जो समय समय पर मैं आपको अपग्रेड करता रहूँगा कि ये सारी चीज़ें हैं। आज जैसे ये मेरे साथ हुआ, अगर कोई अननोन बंदा रहता तो मे बी उससे ये जो इन्फॉर्मेशन मांगते वो शेयर कर देता। वो क्या करते, पहले आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं अपने बैंक अकाउंट का। आपको अपना बैंक अकाउंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी इनके साथ शेयर नहीं करना है। इवन अगर नाम भी पूछें तो नाम भी सही नहीं बताना। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अपने साथियों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी समझें और देखें कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं और सचेत हो सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।